वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी दामाद 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आया हूँ, जिसका आपको भी होगा और मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इतनी बड़ी वैकेंसी है ये, जो हाल फिलहाल किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आई होगी ITI स्टूडेंट्स के लिए। ITI और 10th और 12th पास और डिप्लोमा, इनके लिए बेहतरीन वैकेंसी आई है। तो आप इसे देखते हैं। ये आई है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, महाराष्ट्र मुंबई। बहुत ही अच्छा प्लांट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी शानदार वैकेंसी है। और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 24 तारीख से और लास्ट तारीख है 22/5/2023। और इसमें बहुत सारे वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं। इसे टेक्निकल ऑफिसर की है 181, साइंटिफिक असिस्टेंट की है 7, टेक्नीशियन बी ग्रेड की है 24 वैकेंसीज। और इनका लेवल 10 तक लेवल है टेक्निकल ऑफिसर का। और इसके बाद स्टेपनी ट्रेनिंग, जिसके जो ITI स्टूडेंट्स और 12th स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो कैटेगरी 1 में आई है 1216 वैकेंसी आई है, और कैटेगरी 2 में आई है 2946 वैकेंसी आई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है हाल फिलहाल की। इसमें टेक्निकल ऑफिसर में तो आप देख सकते हैं, इसमें MSc BTech लेवल की रहती है ये वैकेंसी। इसमें सीटें भी काफ़ी कम ही रहती है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स से आते हैं इसमें। और इसके बाद दूसरी है ये भी सब BTech है, डिप्लोमा होल्डर्स की वैकेंसी है। अब हम अपनी देखते हैं। ये टेक्नीशियन बी की, बॉयलर अटेंडेंट की, अगर जिसने 10th प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर से अटेंडेंट सर्टिफिकेट कर रखा हो, तो उसकी वैकेंसी है ये। टोटल 24 वैकेंसीज है। इसके बाद आती है बीएससी की वैकेंसी, अच्छी खासी है ये। बीएससी जिसने कर रखी हो बंदों ने, उसकी भी खास बहुत ही शानदार वैकेंसी है इसमें। बीएससी ये डिप्लोमा होल्डर्स की, डिप्लोमा में मैकेनिकल में बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। 328 वैकेंसी है टोटल, देख सकते हैं अभी 328 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल सब में आई है। और उसके बाद एक कैटेगरी 2 जो ITI के लिए होती है, इसमें देखते हैं। कैटेगरी फीटर की बहुत ही शानदार वैकेंसी, इसमें टोटल 698 वैकेंसी है, जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है हाल फिलहाल। अब DRDO में भी नहीं थी इतनी वैकेंसी जितनी अभी BRC वालों ने दी है। बहुत ही जोरदार वैकेंसी है। इसमें क्या चाहिए, बस 10th में विथ साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए, और आपका 60% होना चाहिए, और जो ITI का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ITI पास होना चाहिए वो। बस टर्नर की अच्छी वैकेंसी है, 213 वैकेंसी है। वेल्डर की है 99 वैकेंसी है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की भी 18 है। इलेक्ट्रिशियन की है 399 पोस्ट हैं टोटल। इसमें UR की है 177 है, EWS की 54 है, OBC की 119 है, ST 22, SC 27 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 226 वैकेंसी है। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी अच्छी वैकेंसी है, इसमें देख सकते हैं। मैशन की है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, और इसमें प्लांट ऑपरेटर के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। प्लांट मैन 532 वैकेंसी, आज तक कभी नहीं आएगी प्लांट ऑपरेटर की। लेकिन इसमें एज लिमिट भी रखी है बंदों की, तो बहुत बंदों की एज भी हो चुकी होगी, काफ़ी टाइम बाद आई है BRC में वैकेंसी। तो इसमें 12th पास चाहिए साइंस मैक्स में, और विद 60% होना चाहिए 12th में, और साइंस मैक्स होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है इसमें। इसमें देखते हैं, OBC की 154 वैकेंसी है, और UR की है 271, जो कम नहीं है नौकरी लगने के लिए, काफ़ी है। और इसमें भी अगर आप नौकरी नहीं लग पाते हो, तो फिर इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी कभी भी, ये सोच लेना। इसलिए मेहनत करो ज़ोरदार। इसके आगे देखते हैं हम, बैकलो वैकेंसी भी है कुछ इसमें, जो PW के लिए रिजर्व रखी गई है। इलेक्ट्रिशियन में 2 है, बहुत सब में रखी है थोड़ी बहुत। एज लिमिट देखते हैं हम ना। और इसमें एक कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखा है, मिनिमम आपकी हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए, और वेट होना चाहिए 45.5 kg वेट होना चाहिए आपका, ये कम से कम होना चाहिए।
और एज लिमिट में देखते हैं, टेक्निकल ऑफिसर में 18 से 35 है, साइंटिफिक असिस्टेंट में 18 से 30 है, टेक्नीशियन बी में 18 से 25 है, और कैटेगरी वन में है 19 से 24, और कैटेगरी टू में 18 से 22 एज रखी है इसमें। और जो छूट दी है, मतलब छूट मिली है, ओबीसी पे 3 साल की है, एसटी पे 5 साल की है, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल की है, पीडब्ल्यू बीडी पे आगे तक दिए इनके लिए, जो एक सर्विस मैन है उनके लिए भी खची अच्छी दे रखी है। इसका सिलेक्शन मेथड देखते हैं क्या होता है। पेपर इसका फर्स्ट पेपर होता है, सबका एक कॉमन ही फर्स्ट पेपर, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, उसके बाद एडवांस टेस्ट होता है और फिर स्किल टेस्ट होता है। ये प्रोसेस रहता है हर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब रहती है, ये प्रोसेस तो रहता ही है। प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एडवांस टेस्ट होता है, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में होता है मैथ में आते हैं 20 क्वेश्चन, मैथ के आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ये रहता है अपन का। और जिसमें जो फर्स्ट पेपर वाइज क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 40% रहता है, और जो जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% रहता है। उसके बाद होता है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट जो आपकी मेरिट बनाता है, इसमें जितना आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो ये भी 50 क्वेश्चन ही होता है इसमें भी, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसी के हिसाब से मेरिट बनाई जाती है। जो भी आपकी रिलेवेंट ट्रेड है उसी के हिसाब से सिलेबस आता है। अगर आप साइंस मैक्स हो 12th पास में, तो उसके हिसाब से आपका वो साइंस मैक्स का सिलेबस आएगा। और अगर ITI है तो आपकी जो भी ITI ट्रेड है, जिसमें भी आपने ITI कर रखी, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है स्किल टेस्ट। जब आपका एडवांस टेस्ट रहता है, फिर मेरिट बनती है, उसके हिसाब से इसमें लेते हैं 4 से 5 गुना लेते हैं एक सीट पे, उसके हिसाब से मेरिट बनती है, मेरिट बनती है उसके हिसाब से। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट में ITI स्टूडेंट के लिए तो वही प्रैक्टिकल, जो ITI में प्रैक्टिकल करते हैं हम, उसी के हिसाब से वही नॉर्मल ITI वाला, जिसने ITI में प्रैक्टिकल कर रखे होंगे वो नॉर्मली बात है, उसको स्किल टेस्ट पास करना आराम से। बस मेन है अपना एडवांस टेस्ट में जितना जाओ उतना हाई स्कोर करो, तभी आप सिलेक्शन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये स्किल टेस्ट बस क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको पास करना है बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई, तो इसमें आपको ये BRC की साइट दे रखी, BRC.onlineexam.com पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी बताया है उन्होंने, देखते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसकी, तो टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए तो 500 रुपीस रखे हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये हैं, टेक्नीशियन बी के 100 रुपये हैं, कैटेगरी फर्स्ट के 150 रुपये हैं, कैटेगरी सेकंड के 100 रुपये। और जो फे एग्जाम से मतलब जिसकी फ़ीस नहीं लगेगी, ST/ST वाले की फ़ीस नहीं लगेगी, PWBD वाले की फ़ीस नहीं लगेगी, वुमेन की भी नहीं लगेगी, ठीक है। सेंटर बहुत सारे दिए क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से सेंटर्स बहुत सारे दिए हैं इन्होंने, काफ़ी सेंटर्स दिए हैं। और इसमें अपन को 3 सेंटर्स चूज़ करने रहेंगे, जो भी अपने पास में सेंटर पड़ता है उसको चूज़ करिए आप, उसमें से आपको बेस्ट A1 दिया जाएगा, उसमें आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा जिस जो भी आपके नियर पड़ता हो सेंटर वो चूज़ कर लेना आप। और इसमें बहुत सारे सेंटर है, कम से कम 25-30 सेंटर होंगे, वहाँ पर आपको 3 सेंटर्स चूज़ करना है अपने लोकेशन के हिसाब से। और इसका एडमिट कार्ड भी आपको इसकी साइट पर मिल जाएगा आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है, जब आप डॉक्यूमेंट जब आपका पेपर क्लियर हो जाता है, जब स्किल टेस्ट भी हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, और सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने पड़ते हैं। ये इसका प्रोसेस है। सैलरी भी अच्छी खासी है इसमें, कैटेगरी टू के लिए अच्छी खास सैलरी है, ITI वाले के लिए 21,700 रुपये काफ़ी का, लेवल 3 का है, अच्छा है। तो आप इसके अप्लाई ज़रूर करें।
मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँगा कैसे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो वो भी मैं एक वीडियो बना दूँगा इसका, जब मैं अपना फॉर्म भरूँगा तब वीडियो बना दूँगा एक कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको आप जल्दी अप्लाई करें, इसकी डेट है 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अप्लाई करना, जल्दी अप्लाई करोगे तो आपका जो सेंटर है, जो बेस्ट सेंटर आपको मिल जाएगा, इसलिए आप जल्द जब स्टार्ट हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब।